स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज सुबह की बारिश आंख में आंसू और जुबान पे गाली दे गई। आंख में आंसू अपने घर का सामान देखकर, जिसमें आधे से ज्यादा जम्मू शहर डूब गया था, घरों के अंदर पानी चला गया था। किसी की आंख में आंसू और जुबान पे गाली दे गई ये बारिश। आंख की आंसू उनके आए जिन्होंने अपने सामान को, अपने गाड़ी, खून पसीने की कमाई को तबाह होते हुए देखा, उस पर पानी फिरते हुए देखा। उन आंख में आंसू आ गए और गुस्सा, इसलिए जुबान पे गाली आ गई। जिन लोगों के लिए ये गाली थी, जिन लोगों के लिए ये आंसू बद्दुआ थे, वो इस शहर को, जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी कहते हैं। बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे हैं वो काफी हाइट पे, ताकि वहां तक पानी ना पहुंचे। असली दिखी आज स्मार्ट सिटी की। लोग रो रहे थे, मैंने सुबह रिपोर्ट की, हालांकि एक जगह की रिपोर्ट की, ये हाल हर जगह था। गाड़ियां पानी में डूबी हुई थी, स्कूल बसेस पानी में डूबी हुई थी। किसी को मुझे आज एयरपोर्ट छोड़ने जाना था, नहीं जा पाया, गाड़ी बंद हो गई, पानी बोनेट के ऊपर आ गया, गाड़ी बंद हो गई। गाली आ गई मुंह से कि ये हालत है मेरे जम्मू की, क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं, लीपा पोती की है। अब बारिश नहीं है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है सब कुछ, बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक डेढ़ घंटा अगर लगातार बारिश हो जाए तो आधा जम्मू उसमें समा जाता है। और भगवान ना करे अगर ये बारिश 8-10 घंटे हो गई, फिर तो गाड़ियों के साथ साथ अब हम अपने घर के घर में बोट रखनी पड़ेंगी, कश्तियां, जैसे डल झील में चलती हैं बोट कश्तियां, वो घर में रखनी पड़ेंगी। पता नहीं कब आपका स्मार्ट सिटी जो है वो धोखा दे जाए। इसीलिए मैंने कहा कि आज की बारिश आंख में आंसू और मुंह में गाली दे गई, जुबान पे गाली दे गई। किसी नेता ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने जो दावा करते हैं स्मार्ट सिटी, जम्मू स्मार्ट सिटी है, क्या कोई पोस्ट डाली है आज अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे पोस्ट डाली है कोई आज? जो ऊपर आपने बोर्ड लटकाए हैं ना, उसका कंपैरिजन जमीन से कर लेना। कोई पोस्ट नहीं डालोगे आप ऐसी, शाम सूख जाता है। अगर कहीं उद्घाटन करना हो, हाथ में वो फावड़ा लेकर वो फोटो जरूर आती है, हाथ में फावड़ा लेकर वो खनन करते हुए वो फोटो आप जरूर डालते हो। आज फोटो डाली, उन आंसुओं की फोटो डाली, उन गालियों की फोटो डाली जो आपको उन लोगों ने बड़े मन से दी हैं, दिल से गालियां दी हैं, दिल से, वो भी कर देते आप। ये एक डेढ़ घंटे की बारिश का असर था। कोई स्मार्ट सिटी नहीं है जनाब, कागजों में होगी। जिस शहर का ड्रेनेज ही नहीं है, जिस शहर में एक डेढ़ घंटा पानी बारिश हो जाए तो आपके पास ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है कोई, पानी शहर तैरने लगता है, गाड़ियां डूबने लगती हैं, उस शहर को आप स्मार्ट सिटी कहते हो? ये तो एक बात थी। दूसरी बात, आपकी ये लापरवाही किसी की जान ले लेगी, आपकी ये लापरवाही किसी की जान ले लेगी, उसके बाद आपको होश आएगा, उसके बाद आपको होश आएगा, आप वो काम कर दोगे, ठीक कर दोगे उसको, जैसा कि वेयर हाउस में हुआ था, लंबड़ के ढाबा के साथ,
जो रोड एशिया होटल से अंदर आती है चौथे पुल के लिए, वहां एक गड्ढा था जो 5-6 महीने से था। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, मौके पे मर गया वो। आपने चंद घंटों में उस गड्ढे को भर दिया, उसको रिपेयर कर दिया उस आदमी के मरने के बाद। लेकिन अब एक और लापरवाही, यहां किसी के मरने का इंतजार हो रहा है, उसके बाद आप जागोगे नींद से। आओ मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं। इस वक्त मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो गेट फ्लाईओवर के साथ आता है बंद रहता है, एक रास्ता चला जाता है नीचे अम्फला की साइड और दूसरा रास्ता सेक्रेट को मुड़ जाता है फ्लाईओवर के ऊपर ही, वहीं पे खड़ा हूं। और इस टहनी को देखिए, इस पेड़ को देखिए जो गिर गया है। और ये जो आप देख रहे हो, मेरी हाइट 6 फुट है, 6 फुट 2 इंच, और ये 7 फुट तक होगा, और ये होगा 4.5 फुट में। आपको लगता है कोई गाड़ी स्पीड में आएगी, इससे टकराएगी, उसका दम निकल जाएगा, मर जाएगा वो आदमी। ये देखो आप, ये पूरा पेड़ सड़क पे आ गया है, और पिछले कई दिनों से, शायद कई महीनों से ऐसे ही है। यहां पे किसी के मरने का इंतजार हो रहा है, कोई यहां पे मर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर कोई बड़ा ट्रक या बस आएगी या बड़ी गाड़ी, कोई फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो या फिर सफारी इतनी बड़ी, या ब्रेजा जितनी मेरी गाड़ी है, वो इससे टकरा जाएगी। ये देखिए, इससे टकरा जाएगी वो। और ये वेपन है, ये वेपन से कम नहीं है, ये किसी तेज धार हथियार से कम नहीं है। वो आदमी तड़प तड़प के यहां दम तोड़ देगा, पुलिस आएगी जैसा वेरोस में हुआ था, एक एम्बुलेंस आएगी, उसको निकालेंगे, गाड़ी को साइड पे करेंगे, फिर आपके लोग इसको काटने के लिए आएंगे। शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? इस सड़क पर खून बह जाए उसके बाद आओगे आप? किसी को ये दिखाई नहीं देता, ये मौत है, ये एक्सीडेंट का घर है, ये किसी की जान ले लेगा। यहां से ये सड़क शुरू होती है, और इसका रेंज जो है कम से कम 7 से 8 फीट रोड पे है। फ्लाईओवर के ऊपर सुपर स्पेशलिटी का जो गेट है जो हमेशा बंद रहता है, उसके आगे आकर ये नीचे रोड उतर जाती है, चली जाएगी अम्फला को, और जो ऊपर वाली रोड डाइवर्ट होती है राइट साइड में चली जाएगी सेक्रेट को। उसी चौराहे पे, उसी टर्न पे खड़ा हूं मैं, फ्लाईओवर के बिल्कुल ऊपर। ये किसी वेपन से कम नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको नहीं दिखाई देता, या फिर इसको कटवाने के लिए आपके पास फंड्स नहीं है, तो जनाब हमसे कहिए, हम कुछ करते हैं। ये हमारे लिए चंद घंटों का काम है, इसको कटवाना चंद घंटों का काम है हमारे लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि कहीं हमने किसी को बोल दिया, उसने अगर किसी ने इनिशिएटिव ले भी लिया, इसको काटने के लिए वो आ भी गया, इसको साफ सफाई के लिए आ भी गया, तो आप लोग एतराज ना करो। आपके पास परमिशन है, आप लोग कैसे यहां पे आ गए, क्यों काट रहे हो इसको, किसी को मरने दो, एक्सीडेंट होने दो, उसके बाद हम खुद आएंगे, आपके ये सवाल भी हो सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता, हमें बताइए जनाब, हम कर सकते हैं ये। हमें किसी के मरने का इंतजार नहीं करना है, यहां किसी बड़े एक्सीडेंट का इंतजार नहीं करना है, हमें बताइए। वैसे ये काम किसका है, ये कौन, शायद यही सोच रहे होंगे आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि इस बिल्ली के गले में घंटी बांधनी किस डिपार्टमेंट को है। क्या ये म्यूनिसिपैलिटी का काम है, क्या ये PWD का काम है, या ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है, ये काम किसका है? और जिसका भी है जल्दी डिसाइड कर लो, इससे पहले कि कोई बड़ा एक्सीडेंट, कोई बड़ा हादसा हो जाए। ये तस्वीरें जम्मू की हैं। अगर कोई बाहर से हमें लोग देख रहे हैं अदर स्टेट से, उनको बता दूं कि जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू के लोग कैसे यहां पे, ये क्या हो रहा है, उनको पता चलना चाहिए। ये जम्मू है जनाब।
और शायद इसी रास्ते से अमरनाथ यात्रा भी जाती होगी। यात्रा के लिए ही कर दो, आम आदमी को फायदा हो जाएगा। ये देख लीजिए, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए, आपको पहले ही सचेत कर रहे हैं। बस इतना ही है आज के लिए। मुझे लगता है कि ये शायद ये रिपोर्ट आपकी आंख खोल सके, ये किसी वेपन से कम नहीं है, शायद ये रिपोर्ट आपकी आंख खोल सके। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।